हेलो गाइस, इन द लास्ट क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, अल्टरनेशन जनरेशन एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, आवर्त बीजी पादपों में जन्म। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने पिछली कक्षा में आवर्त बीजी पादपों में जनन के ऊपर चर्चा की थी। आपको बताया था कि आवर्त बीजी पादपों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो आपने डियर स्टूडेंट, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आवर्त बीजी पादपों में जनन, और आपको बताया था कि आवर्त बीजी पादपों में जनन, एक बार हम आपको इसको संक्षिप्त में बता रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन के प्रकार और जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नंबर दो, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को आसंग जनन भी कहते हैं, लैंगिक जनन को हम सहजनन, एम्फीगोनी या उभय मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय मिश्रण। हम आपको इनके बारे में संक्षिप्त में बता रहे हैं केवल, क्योंकि हम पिछली कक्षा में इसका अध्ययन कर चुके हैं, केवल जस्ट आपको रिकॉल करा रहे हैं। देखिए, आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, लोअर कैटेगरी एनिमल्स के, लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय व एक जन के जीवों में पाया जाता है, यूनिसेलुलर एंड यूनिपैरेंटल, यूनिपैरेंटल एक कोशिकीय और एक जन के जंतुओं में ये क्या है, पाया जाता है। तीसरा, हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होने वाली जो संतत्तियां होती हैं, यानी कि मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका आनुवांशिक रूप से कैसी होती हैं, समान होते हैं, इसलिए इनके क्या बनाए जा सकते हैं, क्लोन बनाए जा सकते हैं। आपको हमने बताया कल कि इनके क्लोन बनाए जा सकते हैं। और सबसे अंतिम आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मकों का निर्माण, नंबर एक फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अर्धसूत्र विभाजन, और तीसरा आपको बताया था युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इनका अभाव होता है। तो आपको हमने चार पांच करेक्टर्स किसके बताए थे, अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी, और आपको परिभाषा दी थी कि अलैंगिक जनन वह जनन की वह जैविक प्रक्रिया है, या जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें युग्मक युग्मकों का निर्माण, आर्सूत्र विभाजन एवं युग्मक संलयन के बिना नई संतति का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, आज का हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है अलैंगिक जनन या असंग जनन के प्रकार, असंग जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन या असंग जनन जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। नंबर एक अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्मोस्पर्मी, एग्मोस्पर्मी। और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या इसे कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिषेक बीजता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्मोस्पर्मी। ठीक है, अनिषेक बीजता क्या है? देखिए, अनिषेक बीजता है, उसके नाम से आपको ऐसे पता चल रहा है अच्छी तरीके से। एक का अर्थ होता है नहीं, बीजता का सॉरी निषेक का अर्थ होता है निषेचन और बीजता का अर्थ होता है बीज, अर्थात बिना निषेचन के बीजों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। देखिए, अनिषेक बीजता को अंग्रेजी में एग्मोस्पर्मी कहते हैं, और ये एग्मोस्पर्मी जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक ए, ए का अर्थ होता है एब्सेंट, एब्सेंट नहीं बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? विदाउट, विदाउट का अर्थ होता है बिना। ठीक है, या अनु एब्सेंट का अर्थ होता है अनुपस्थित। इसके बाद आता है दूसरा गैमो। ठीक है, गैमो को बोला जाता है गैमस, जी ए एम ओ यू एस। गैमस का अर्थ होता है निषेचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है निषेचन, निषेचन। और स्पर्मी शब्द है तीसरा स्पर्मी, स्पर्मी का अर्थ होता है स्पर्मा, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। ठीक है, सीड का अर्थ होता है बीज। एग्मोस्पर्मी तीन शब्दों से बना है, एक का अर्थ होता है एब्सेंट या विदाउट, गैमो का अर्थ होता है गैमस, गैमस का अर्थ होता है फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं निषेचन, और तीसरा शब्द है स्पर्मी, स्पर्मी का अर्थ होता है स्पर्मा, स्पर्मा को बोला जाता है सीड, और सीड का अर्थ होता है बीज। अर्थात बिना निषेचन के किसका निर्माण होना? बीजों का निर्माण होना। बिना निषेचन के बीजों के निर्माण की क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं, बिना निषेचन के बीजों के निर्माण की क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा हम बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, सच टाइप ऑफ प्लांट्स इन विच सीड इज फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एग्मोस्पर्मी। ठीक है, सीड इज फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के बीजों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। इसकी सही परिभाषा अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा जनन जिसमें, ऐसा जनन जिसमें बीज या भ्रूण का निर्माण, बीज या भ्रूण का निर्माण, ठीक है, बिना अर्धसूत्र विभाजन, ठीक है, बिना अर्धसूत्र विभाजन युग्मक संलयन, या बिना अर्धसूत्र विभाजन वह युग्मक संलयन क्या होता है, परंतु प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा तो हमने आपको यहाँ पर बोल दी थी कि ऐसे पादप जिनमें बीजों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ठीक है, परंतु इसको एक सही तरीके से अगर व्यवस्थित तरीके से परिभाषा बोलेंगे तो ऐसा जनन जिसमें बीज या भ्रूण का निर्माण अर्धसूत्र विभाजन एवं युग्मक संलयन के बिना, युग्मक संलयन के बिना होता है, ठीक है, परंतु प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। देखिए, अनिषेक बीजता के पश्चात हम बात करते हैं कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन क्या है या कायिक प्रवर्धन क्या है? ठीक है,
इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से। कायिक प्रवर्धन को हम समझा रहे हैं, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए हम बात करते हैं कि कायिक जनन होता क्या है, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए ये एक पादप है, ठीक है, आप देख रहे हो पादप जो होता है आवर्त बीजी पादप मुख्यतः तीन भागों में विभेदित होता है, जड़ तना और पत्तियां, ठीक है, रूट लीफ एंड स्टेम। ये तीन भागों के अंदर क्या है, बटा होता है। हम आपको बता रहे हैं जैसे हमने एक शीशम का पौधा है, ठीक है, और उस शीशम के पौधे की जड़ को लिया, ठीक है। हम बात करते हैं किसके बारे में, जड़ के बारे में। शीशम के पौधे की जड़ को लिया, उसे काटा और काटने के बाद उसे एक रासायनिक घोल के अंदर उपचारित किया और उपचारित करने के पश्चात उसको मृदा में रोपित कर दिया था, किसको, कटे हुए जड़ के भाग को। तत्पश्चात आप देखते हैं कुछ समय बाद उस जड़ के अंदर क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। कुछ समय पश्चात शीशम की जो जड़ आपने रोपित की है उसे नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा कि जड़ से एक नए पादप का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम तने के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तना जो होता है, जैसे हमने आपको गन्ने का तना दिया, शुगर कैन प्लांट्स, गन्ना का जो पादप होता है उसको हमने क्या किया कि उसको काटा, ठीक है, उसका परव और परव संधि, गन्ने में परव और परव संधियां पाई जाती हैं, और उसको हमने एक भाग को काटा, उसे भी रासायनिक पदार्थों से उपचारित किया। रासायनिक पदार्थों से उपचारित करने के लिए आपको बता दें इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA या नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तत्पश्चात हम इसे मृदा में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, ठीक है। रोपण के पश्चात आप देखते हैं कि वहां पर एक नए पादप का उस तने के तने में प्रस्फुटन की क्रिया होती है और कुछ समय पश्चात, ठीक है, एक गन्ने के नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण। इसी तरीके से ब्रायोफिल्म की पत्तियां होती हैं, ब्रायोफिल्म की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ब्रायोफिल्म की पत्तियां जो होती हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो मृदा में गिर जाती है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती है और नए पादप का क्या करती है, निर्माण। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, मेहंदी का पौधा। मेहंदी की शाखाएं लेते हैं, उन शाखाओं को हम काटते हैं, ठीक है, काटने के पश्चात उसे मृदा में यदि रोपित कर दिया जाए तो आपको मालूम है कि मेहंदी के नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। आपने देखा कि ये सारे पौधे के कौन से भाग हैं, सारे कायिक भाग हैं, चाहे जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्तियां, ये सारे कौन से भाग होते हैं, पादप के कायिक भाग होते हैं। और इन कायिक भागों से आपने देखा कि नए पौधों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन, या उसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। परिभाषा क्या हुई कायिक जनन की, कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पादप के कायिक अंग, किसी पादप के कौन से अंग, कायिक अंग, जैसे जड़
तना, पत्ति, शाखा, कलिका आदि से नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दोबारा हम आपको कायिक जनन की परिभाषा बता रहे हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पादप के कायिकम, कायिकमों में कौन कौन से हो सकते हैं, जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती है, उनकी शाखाएं भी हो सकती हैं या उनकी कोई कलिका हो सकती है, और उन कलिकाओं से नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? कायिक जनन कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए कायिक जनन के अंदर क्या है कि जिन कायिक जनन के अंदर जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं, कायिक जनन के अंदर जिन अंगों का हम लोग उपयोग करते हैं या जिनसे नए पादपों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। अभी हम इस पे और बात करेंगे, कायिक प्रवर्ध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कायिक प्रवर्ध आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक प्रवर्ध क्या है? तो कायिक प्रवर्ध की क्या परिभाषा बताई हमने कि पादप का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है और नए पादप के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। या इसकी हम दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि पादप का वह भाग जो कायिक जनन के लिए उपयोग में लिया जाता है, पादप का वह भाग जो कायिक जनन के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं आपको कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार पे हम बात करने जा रहे हैं। कायिक जनन या कायिक के कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार, देखिए कायिक जनन जो होता है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? कायिक जनन को मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक को बोला जाता है प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन जिसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आपको बात कर रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आपको प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए जीवों के अंदर बहुत सारी ऐसी जैविक प्रक्रियाएं हैं, इसी तरीके से आवर्त विधि पादपों में भी जनन की क्रिया होती है और जनन एक जैविक प्रक्रिया है, और उन आवर्त बीजी पादपों में, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आने के कारण ही उनमें नए पादपों का निर्माण स्वतः हो जाता है। ठीक है, अर्थात वो उनके शरीर के अंदर उन पादप काय के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या होती है? जैविक क्रिया। आपको हम आरबीएससी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड के अनुसार केवल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो पौधे के कौन कौन से भागों से होता है। ठीक है, कौन कौन से भागों से होता है इस पर हम बात करते हैं।
तो आप बता रहे हैं आपको कि प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो पादप के निम्न अंगों से हो सकता है। अब पादप के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, उनसे प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो आपको बता दें पादप के पांच भाग होते हैं, ठीक है, उन पांच भागों से प्राकृतिक कायिक जनन हो सकता है। ठीक है, कितने भागों से हो सकता है, पांच भागों से हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, नंबर एक, जड़ों के द्वारा हो सकता है, बाई रूट्स, किसके द्वारा हो सकता है, बाई रूट्स के द्वारा हो सकता है। दूसरा आपको पता है पत्तियों के द्वारा हो सकता है, बाय लीफ। तीसरा है आपका तने के द्वारा हो सकता है, बाय स्टेम। ठीक है, चौथा जो हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है, जननांगों के द्वारा हो सकता है, जननांगों के द्वारा हो सकता है। जननांग में बोले तो पत्र कंदों के द्वारा हो सकता है, और पत्र कंद में बोले तो हम उनको पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा हो सकता है। इसलिए सॉरी, हम आपको बता रहे हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन मुख्यतः चार प्रकार के अंगों के द्वारा हो सकता है। कितने प्रकार के अंगों के द्वारा हो सकता है, चार प्रकार के, जड़, तना, पत्ती, जननांग हो सकते हैं, जननांगों में पत्र कंद हो सकते हैं या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जड़ों के बारे में। देखिए पादपों में अपस्थानी जड़ें भी पाई जाती हैं और भूसला जड़ें भी पाई जाती हैं। ये अपस्थानिक और भूसला जो जड़ें होती हैं उन पर क्या है, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण। पादपों में जड़ें होती हैं, जड़ों के बारे में आपने 11th क्लास में हमने आपको बताया था कि अपस्थानिक कलिकाएं, सॉरी अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें पादपों के अंदर पाई जाती हैं, और इन जड़ों के ऊपर किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण। ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में पादप से क्या हो जाती है, अलग होकर के मृदा में आ जाती है, भूमि पर गिर जाती है, और गिरने के पश्चात जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर मृदा में जो गिरा हुआ अपस्थानिक कलिका जो होती है वो प्रस्फुटित होने लगती है, और कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे जड़ के बारे में बात करते हैं। आपको बता रहे हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कंदीय मूल पाई जाती है। कौन सी मूल पाई जाती है, कंदीय मूल पाई जाती है। कंदीय मूल में आपको बता देता हूं किन किन पादपों में पाई जाती है, जैसे शक्कर कंदी का पौधा है, ठीक है, उनमें कंदीय मूल पाई जाती है। एस्पेरगस, ठीक है, एस्पेरगस का जो पादप होता है, एस्पेरगस या डहेलिया, शक्कर कंदी, डहेलिया, सतावर या एस्पेरगस, ये चार एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताए हैं कि इन पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, कंदीय मूल पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं शक्करकंद पर, शक्करकंद हो सकता है, सतावर हो सकता है, डहेलिया हो सकता है, डहेलिया, या फिर आपका क्या हो सकता है, डहेलिया, या आपका एस्पेरगस हो सकता है, एस्पेरगस। ठीक है, ये हमने आपको चार एग्जांपल दिए जिसमें से हम जैसे शक्करकंद के बारे में बात की थी, जैसे ये शक्करकंद है, ठीक है, और शक्करकंद जो होता है, ये शक्करकंद है, ये एक कंदीय मूल होता है, और इस कंदीय मूल पर किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिका का क्या होता है, निर्माण होता है, ये अपस्थानिक कलिका है। ठीक है, और ये अपस्थानी कलिकाएं क्या होती हैं कि मात्र पादप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और मात्र पादप से जब अलग हो जाती है तो नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो शक्करकंद जो होती है उसमें जड़ों के द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बता दें कुछ काष्ठीय पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं, कुछ काष्ठीय पादप होते हैं,
काष्ठीय पादपों में जैसे नीम का पौधा है, ठीक है, चमेली का पौधा है, या आपका शीशम का पौधा है, और इन काष्ठीय पादपों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, शीशम ढंग से सुनिए, चमेली या नीम, इनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे आपको हमने बता दिया, जैसे ये इस तरीके से नीम का पौधा है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या होता है, जड़ें होती हैं, ठीक है। इस जड़ के अंदर आपको बता दूं प्ररोप का निर्माण होता है, क्योंकि नीम का पौधा होता है वो एक काष्ठीय पादप होता है, ठीक है, कौन सा पादप होता है, ये इस तरीके से एक काष्ठीय पादप होता है, ठीक है, और ये इनके अंदर क्या निकलते हैं, इस तरीके से जड़ें निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको हमने बता दिया है, ये इस तरीके से इनके अंदर जड़ें पाई जाती है, ठीक है, ये काष्ठीय पौधे हैं, और इन काष्ठीय पादपों की जो जड़ें होती हैं उन पर किसका निर्माण होता है, प्ररोप का निर्माण होता है, इनसे किसका निर्माण हो जाता है, प्ररोप का निर्माण होता है, ठीक है, और यही प्ररोप क्या काम करती है, नए पौधे का क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है, नए पादपों का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, नए पादपों का क्या करती है, निर्माण, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे जड़ों के ऊपर दो बातें बताई कि ऐसे पादप जिनमें कंदीय मूल पाई जाती हैं, तो जिनमें कंदीय मूल पाई जाती हैं वहां पे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। इसी तरीके से दूसरे हमने बताया कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, काष्ठीय मूल पाई जाती है, और इन काष्ठीय मूल जो होती हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है, प्ररोप पाया जाता है, प्ररोप उत्पन्न होता है, और ये प्ररोही क्या करते हैं, नए पादपों का क्या करते हैं, नए पादपों के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये हो गया हमारा जड़ों के द्वारा क्या होता है, जड़ों के द्वारा पादपों में प्राकृतिक कार्य जनन। देखिए हम बात करते हैं दूसरा, पत्तियों के द्वारा जनन। देखिए हम आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ब्रायोफिल्म की पत्ती, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे बिगोनिया पौधे की पत्तियों। देखिए देखिए ब्रायोफिल्म की पत्ती इस तरीके से होती है, इस तरीके से क्या होती है, ब्रायोफिल्म की क्या होती है, पत्ती होती है, ठीक है, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उनके पर्णकोर होते हैं, ये इनके क्या है, पर्णकोर, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, पर्णकोर, और पर्णकोर में क्या पाई जाती है, यहाँ पे खांस पाई जाती है, ठीक है, ये किनारे जो होते हैं ये यहाँ पे खांच पाए जाते हैं, और इन्हीं खांचों में क्या है कि अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, ये अपस्थानिक कलिका। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जब इन पादपों में अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है तो जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, तो ये पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, टूट करके गिर जाती हैं, गिरने पर ये अपस्थानिक कलिकाएं भी कहां पर आ जाती है, मृदा में आ जाती है, और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती हैं, मृदा में प्रस्फुटित होती है, अंकुरित होती है, और अंकुरण के बाद एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। इस तरीके से आपको बताया ब्रायोफिल्म के नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये ब्रायोफिल्म की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, जिन पत्तियों के अंदर प्राकृतिक कायिक चरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्राकृतिक कायिक चरण पाया जाता है, ठीक है। आपको हम बता दें कि जो कायिक चरण होता है इसमें दो जनक जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते, आपने देखा क्या यहाँ पर दो जनक, न तो नर जनक न मादा जनक, नर और मादा जनक दोनों जनन की क्रिया में भाग नहीं ले रहे, बल्कि
पौधे के जो कायिक अंग होते हैं, पौधे के कायिक भाग होते हैं या वर्धी कोशिकाएं होते हैं या वर्धी भाग होते हैं, वही केवल जनन की क्रिया में क्या रह रहे हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पादपों में प्राकृतिक कायिक जनन पे हमने बात की पत्ती के ऊपर, और पत्ती का एक एग्जाम्पल दिया हमने ड्रायोफिलम की पत्ती, जिसे हम पत्थर चट्टा की पत्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रायोफिल्म। दूसरी पत्ती की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए दूसरी पत्ती किस प्रकार की होती है उस पर बात कर रहे हैं। जैसे आपको बता रहे, दूसरी पत्ती है हमारी बिगोनिया की पत्ती। देखिए बिगोनिया की पत्ती किस प्रकार की होती है, ये क्या है, एक पत्ती है। कौन से पादप की है? बिगोनिया के पौधे की पत्ती है। इसकी पत्ती है बिगोनिया के पौधे की पत्ती है, और बिगोनिया का जो पौधा होता है उनके अंदर क्या पाई जाती है, पर्ण कलिकाएं पाई जाती है। ये हमने जो संरचना आपको दिखाई है इसे क्या कहा जाता है, पर्ण कलिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, पर्ण कलिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि बिगोनिया की जो पत्तियां होती हैं उनका पर्ण ग्रंथ होता है। क्या होता है? ये पर्ण ग्रंथ होता है इनके अंदर, ये वाला भाग। ठीक है, और दूसरा इनके अंदर क्या होती है, पर्ण सिराएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये पर्ण ग्रंथ वाला भाग हो गया और ये कौन सी हो गई, पर्ण सिराएं होती हैं। ठीक है, पर्ण ग्रंथ और पर्ण सिरा, पर्ण ग्रंथ और पर्ण सिरा, पर्ण ग्रंथ हो गया ये वाला, और सॉरी ये पर्णव्रंथ हो गया और ये पर्णशिराएं हो गई। पर्णव्रंथ और पर्णशिरा की जो सतह होती है, ठीक है, उन सतहों से क्या निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ये कलिकाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पर्णव्रंथ हो गया, इससे क्या निकलती है, पुष्प कलिका, सॉरी पर्ण कलिकाएं निकलती है। ठीक है, और ये पर्ण कलिकाएं क्या करती है, नए पादपों का निर्माण। एक बार दोबारा हम आपसे बात करते हैं कि बेगोनिया की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की सतह पर पर्ण ग्रंथ, ये कहलाएगा पर्ण ग्रंथ, और दूसरा होती है पर्ण सिराएं। पर्ण ग्रंथ और पर्ण सिराओं की सतह से, पर्ण ग्रंथ हो गया इसकी सतह से और पर्ण सिराओं की सतह से किसका निर्माण होता है, पर्ण कलिकाओं का निर्माण होता है, और यही पर्ण कलिकाएं किसका निर्माण करती है, नए पादपों का निर्माण करती है। ठीक है, उसे आपने देखा कि इस तरीके से पत्तियों के द्वारा पादपों में प्राकृतिक कायिक जनन होता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं तने के द्वारा। ठीक है, कि प्राकृतिक कायिक जनन तने के द्वारा किस प्रकार से होता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन पे हम बात कर रहे थे, और प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो
कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पहला आपसे बात कर ली जड़ के बारे में, दूसरा ऑप्शन में बात करी पानी के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं तने के बारे में। तने के द्वारा किस तरीके से होता है? देखिए, जो तना होता है पादपों के अंदर वो कई प्रकार का होता है। तना भूमिगत भी होता है। तना जो होता है वो आपने 11वीं क्लास में तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ा है। तो कुछ तने कैसे होते हैं? भूमिगत रूपांतरित होते हैं, ठीक है। कुछ जो तने होते हैं वो विसर्पीय प्रकार के तने होते हैं। तो कुछ तने कैसे होते हैं? वायवीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि तना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं भूमिगत तना, दूसरे को हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरे को बोला जाता है विसर्पी तना, विसर्पी तना, जिसको बोलते हैं क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग स्टेम। तीसरे प्रकार के को, तीसरा प्रकार का जो तना होता है उसे बोलते हैं वायवीय तना, जिसको बोलते हैं एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमिगत तने के बारे में, ठीक है। कुछ भूमिगत तने या ज्यादातर कुछ ऐसे पादप होते हैं जो भूमिगत तने के रूप में पाए जाते हैं, और वो भूमिगत जो तने होते हैं, ठीक है, उनमें प्राकृतिक कायजन की क्रिया पाई जाती है। देखिए, भूमिगत जो तना होता है वो मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। केवल नाम ही हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला है कंद। ये कंद जो होते हैं वो भूमिगत तने होते हैं। कंद में जैसे आपको हम बात करेंगे आलू के बारे में, ठीक है। कंद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर, TUBER। देखिए, आलू होता है, ये आलू है। आलू जो होता है वो एक कंदी कंद होता है, ठीक है। तने का ही एक क्या है? रूपांतरित भाग होता है जो भूमिगत होता है। इस आलू पर आपने देखा होगा बहुत सारी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। ये अपस्थानिक कलिकाओं को मैंने आपको यहां दर्शाया है, और ये अपस्थानिक कलिकाओं को क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। और ये आंखें या अपस्थानिक कलिकाएं जब प्रस्फुटित होते हैं तो नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण। तो कंद में आपको हमने बात की थी कि आलू जो होता है ये क्या है? एक भूमिगत तने का क्या होता है? रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। तो कंद के द्वारा भी क्या होता है? नए पादपों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा होता है सल्पकंद। सल्पकंद, इसको हम बल्ब भी बोलते हैं। बल्ब इसलिए बोलते हैं, जैसे लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज ये दो बात पर हम चर्चा करेंगे। लहसुन और दूसरा कौन सा होता है? प्याज होता है। लहसुन और प्याज की अगर संरचना पे हम बात करें तो इनकी संरचनाएं इस प्रकार की होती है। इस तरीके से इनकी क्या होती है? संरचना होती है। इस तरीके से इनमें बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन कलिकाओं पर क्या पाई जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जब इन कलिकाओं को मृदा में रोपित कर दिया जाता है तो रोपित करने के पश्चात इनमें प्रस्फुटन होता है, किनमें? इन कलिकाओं में, जिसके फलस्वरूप नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? सल्पकंद। इसके बाद आता है प्रकंद, राइजोम। प्रकंद जिसको क्या बोलते हैं? राइजोम, RHIZYOM। देखिए, राइजोम पे हम बात कर रहे हैं। राइजोम क्या है? जिसमें आता है अदरक और हल्दी। क्या आते हैं? अदरक और क्या आती है? हल्दी। अदरक और हल्दी क्या होते हैं? प्रकंद होते हैं, और इन प्रकंदों के द्वारा भी नए पादपों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, कंद हो गया, सल्पकंद हो गया, प्रकंद हो गया। अगला है आपका घनकंद। घनकंद को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, CORN। कॉर्न का अर्थ होता है घनकंद। घनकंद में जैसे अरबी होती है, ठीक है, या जमीकंद होता है।
अरबी और द्रविड़ खंड पर भी क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनके प्रस्फुटन से नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। यहाँ पर केवल आपको पूछा जा सकता है कि घन खंड, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि घन खंड किन पादपों में होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो घन खंड जो होता है वो अरबी में होता है नंबर एक बार, ठीक है, और दूसरा किस्म होता है जमी कंद में होता है। अगला आता है आपका अंतर भूस्तरीय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अंतर भूस्तरीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सकर, SUCKER। देखिए एक मिंट का पादप होता है, उस मिंट के पादप में भी ये अंतर भूस्तरीय होता है, ठीक है। तो ये अंतर भूस्तरीय प्रकार के जो पादप होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कायिक जनन की क्रिया पाई जाती है। यहाँ पे आपसे केवल उदाहरण पूछा जाएगा कि अंतर भूस्तरीय कायिक जनन किन पादपों में पाया जाता है, तो मिंट पादप के अंदर अंतर भूस्तरीय क्या पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विसर्पी तनु के बारे में। देखिए विसर्पी जो तने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्रीपिंग स्टेम तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऊपर भूस्तरीय, ऊपर भूस्तरीय नाम से ही पता है आपको, ऊपर का मतलब ऊपर, भू का मतलब पृथ्वी, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो पाए जाते हैं रहते हुए अवस्था के अंदर और ऊर्ध्व स्थिति के रूप में पाए जाते हैं, उनमें आती है घास, ठीक है। इस पर हम 11वीं क्लास में इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं, केवल फिलहाल आपको याद रखना है उदाहरण था कि घास जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें क्या है प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है, और ये कौन सा किस प्रकार का होता है, ऊपर भूस्तरीय प्रकार का होता है। दूसरा है देखिए ऊपर भूस्तरीय को इंग्लिश में बोलते हैं रनर के नाम से जाना जाता है, रनर RUNNER। देखिए दूसरा प्रकार का होता है भूस्तरीय, जिसको बोला जाता है स्टोलन, STOLONS, स्टोलन। भूस्तरीय के अंदर केवल एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी पादपों के अंदर क्या है, भूस्तरीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है भूस्तरीका, और आपको बता दें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। भूस्तरीय में कौन से पादप आते हैं, भूस्तरीय में कौन से पादप आते हैं, स्ट्रॉबेरी पादप आते हैं, और स्ट्रॉबेरी पादपों में भी क्या पाया जाता है, प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। और ये प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है, विसर्पी तनों के द्वारा होता है। और विसर्पी तने कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ऊपर भूस्तरीय, भूस्तरीय और भूस्तरीका, और सबसे अंतिम है आपका भूस्तरीका। भूस्तरीका प्रकार का किसमें पाया जाता है, जलकुंभी के पौधे के अंदर इकोर्निया क्रेसिपस में पाया जाता है, जल कुंभे, जिसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से केवल यहाँ पे आपसे केवल एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि जल कुंभे में प्राकृतिक कायिक जनन कौन से प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कौन से प्रकार का पाया जाता है, वो इस तरीके का प्रकार का पाया जाता है जो कि एक वायवीय तना होता है। कैसा प्रकार का होता है, वायवीय प्रकार का क्या पाया जाता है, तना पाया जाता है। देखिए इन सब चीजों पे हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन जड़ों के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, सबसे अंतिम बिंदु है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ध्यान से समझना, अंतिम जो बिंदु होता है उसको हम बोल रहे हैं ध्यान से, जिसे बोला जाता है जननांगों के द्वारा होता है, जननांगों के द्वारा होता है, जननांग बोल सकते हैं, या मैंने आपको बताया पत्र कंद द्वारा होता है, या इन्हें हम तीसरा बोलते हैं पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बुल बिल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस प्रकार से होता है। पत्र कंद क्या है, एक मांसल प्रकार की संरचना, कैसी संरचना होती है, पादपों में एक मांसल संरचना होती है जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है।
पात्र कंदन का जो निर्माण होता है वो पुष्प अक्ष पर, ठीक है। पात्र कंदन का निर्माण कहां पे होता है? पुष्प की अक्ष पर, पुष्प के मध्य होती है। पुष्प की अक्ष और पुष्प, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होता है? पात्र कंद का निर्माण होता है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प कलिका, ठीक है, कुछ पादपों में जो पुष्प कलिका के स्थान पर, ध्यान से सुनना, कुछ पादपों में पुष्प कलिका के स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बहुकोशिक पत्र प्रकलिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये बहुकोशिक पत्र प्रकलिका जो होती है वो मात्र पादप से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। इससे अलग हो जाती है, मात्र पादप से अलग हो जाती है, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, ठीक है, ये अंकुरित होकर के, कौन? पत्र प्रकलिका अंकुरित होकर के एक नए पादप का क्या करती है? निर्माण करती है। इसलिए पत्र प्रकलिका द्वारा जनन होता है। पत्र प्रकलिका द्वारा जो जनन होता है वो ऑक्सिलस के पादप में होता है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बता दूं, रतालू के पौधे में होता है, ठीक है, जिसे डायोस्कोरिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा पादप है रामबास का पादप, जिसे अगेव के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। मैं आपको यहाँ पे डायोस्कोरिया पादप का डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए। डायोस्कोरिया जो पादप होता है, इस तरीके से डायोस्कोरिया का पादप होता है। क्या होता है? डायोस्कोरिया का क्या होता है? पादप होता है। उस डायोस्कोरिया में ये क्या होती है? पान संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? पान होती है। ये वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ये इनका पान ग्रंथ कहलाएगा, ठीक है। और इस पर्ण ग्रंथ के यहाँ पर ये संरचना आपने देखी है, इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है इसे पत्र प्रकलिका कहते हैं। और इस डायोस्कोरिया जो पादप होता है उसमें ये पत्र प्रकलिका मात्र पौधे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, भूमि में गिर जाती है। गिरने के पश्चात जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये पत्र प्रकलिका अंकुरित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कायिक जनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आपको बताया था कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपको प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आपको बताया कृत्रिम कायिक जनन। अभी हमने प्राकृतिक कायिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन पर हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन क्या है? देखिए, कृत्रिम कायिक जनन ऐसा जनन जो मानव द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। ऐसा जनन जो किसके द्वारा निर्मित होता है? मानव के द्वारा निर्मित होता है। और इस विधि के अंदर, इस कायिक कृत्रिम जनन की इस विधियों में या कायिक कृत्रिम जनन की विधियों में मुख्य रूप से
वाणिज्यिक पादपों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कमर्शियल प्लांट्स का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मानव के द्वारा ऐसी तकनीकें विकसित की जाती है, मानव के द्वारा ऐसी तकनीकें विकसित की जाती है जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में बहुत अधिक संख्या में पादपों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कृत्रिम काय जनन की इस विधि का उपयोग खास तौर से बागवानी के अंदर और पौधशालाओं के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर और नर्सरियों के अंदर इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए तो कृत्रिम काय जनन की विधियों पर हम बात करते हैं। कृत्रिम काय जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम काय जनन की विधियां। देखिए कृत्रिम काय जनन की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं, ठीक है। कृत्रिम काय जनन की कितनी विधियां हैं, तीन विधियां। सबसे फर्स्ट विधि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट विधि क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली है कर्तन, जिसको बोलते हैं हम कटिंग, कर्तन, या इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि जो है, हम आर्य चित्र के माध्यम से कृत्रिम काय जनन की विधियों को बता रहे हैं। सबसे पहले किसके द्वारा, आर्य चित्र के द्वारा, आउटर लाइनर डायग्राम के माध्यम से। तो पहली विधि हो गई कर्तन विधि। दूसरी विधि का नाम है दाब लगाना, दाब लगाना, जिसको बोलते हैं लेयरिंग, दाब लगाना, जिसको बोलते हैं लेयरिंग। और तीसरी विधि का नाम है रोपण विधि। कौन सी विधि है, रोपण विधि या ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के नाम से इसे क्या है जाना। तो कृत्रिम काय जनन के मुख्यतः कितनी विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं। पहले विधि का नाम है कर्तन विधि, दूसरे विधि का नाम है दाब लगाना विधि, और तीसरे विधि का नाम है रोपण विधि। देखिए हम बात करते हैं कर्तन विधि के बारे में। कर्तन विधि को भी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। या हम कह सकते हैं कि कर्तन विधि, कर्तन कृत्रिम काय जनन जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कर्तन काय जनन की दो मुख्य विधियां हैं, ठीक है। यानी कि कर्तन काय जनन की दो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है स्तंभ कर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम कटिंग। और दूसरी विधि का नाम है मूल कर्तन। कौन सी विधि है, मूल कर्तन, जिसको बोला जाता है रूट कटिंग। इसी तरीके से दाब लगाने की विधियां जो हैं वो मुख्य रूप से दो है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दाब लगाने की जो विधियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली विधि का नाम है, ध्यान से सुनना, पहली विधि का जो नाम है उस पर हम बात कर रहे हैं टीला दाब। कौन सा दाब, टीला दाब, जिसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, जिसको बोलते हैं टीला दाब के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि का नाम है जिसको कहा जाता है वायु दाब। वायु दाब न बोले तो उसे एयर लेयरिंग के नाम से वायु दाब विधि, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एयर लेयरिंग न बोले तो इसका एक दूसरा नाम है, इसे गुट्टी दाब के नाम से भी क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुट्टी दाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दाब लगाने की विधि को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। तीसरी विधि है जिसको हम बोलते हैं रोपण विधि। रोपण विधि को मुख्य रूप से चार भागों के अंदर क्या है बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट विधि है जिसका नाम है जीव्यारोपण।
कौन सी रोपण है? जिव्या रोपण, जिसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। दूसरी विधि का नाम है फच्चर रोपण। कौन सी? फच्चर रोपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेज्ड ग्राफ्टिंग, WEDG, वेज ग्राफ्टिंग के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरी विधि का नाम है किरीट रोपण। कौन सी रोपण? किरीट रोपण के नाम से क्या है उसे जाना जाता है। किरीट रोपण है बोले तो इसका दूसरा नाम है क्राउन ग्राफ्टिंग के नाम से इसे जाना जाता है। क्राउन ग्राफ्टिंग के नाम से इसे जाना जाता है। एक, दो, तीन और ये कौन सी विधि हो गई? चार। देखिए चौथी विधि का नाम है कलिका रोपण, जिसको बोला जाता है कलिका रोपण, जिसको बोलते हैं बडिंग ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, बडिंग या बड ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। आपको कृत्रिम काय जनन की विधियां मैंने आपको बता दिया। कृत्रिम काय जनन के मुख्यतः कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां, जिसमें पहली विधि का नाम है कर्तन विधि। कर्तन विधि को दो भागों में बांटा गया है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दाब लगाना, इस विधि को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, पीला दाब और वायु दाब। तीसरी विधि का नाम है रोपण विधि, जिसमें पहली विधि का नाम है जिव्या रोपण, फच्चर रोपण, क्रीट रोपण, कलिका रोपण। इस तरीके से कृत्रिम काय जनन को चार यानी कि मुख्यतः तीन विधियों में क्या है बांटा गया है। देखिए अब हम बारी बारी से एक एक विधि के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्तन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटिंग या कर्तन? कर्तन शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? हम सबसे पहले कर्तन के ऊपर चर्चा करेंगे। कटिंग, कटिंग का अर्थ होता है काटना। ठीक है, देखिए ये कृत्रिम काय जनन की एक ऐसी विधि होती है। ठीक है, इस कृत्रिम काय जनन की विधि में क्या है कि कोई भी पादप है, ठीक है, उनके नाम हम आपको बताएंगे कौन कौन से पादप हो सकते हैं। जैसे गन्ने का हो सकता है, अंगूर का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, बोगनवेलिया का हो सकता है, नींबू का हो सकता है, सेब का हो सकता है, चेरी का हो सकता है, ठीक है, अमरूद का हो सकता है। तो ये क्या है? ऐसे पादप होंगे। ठीक है, ऐसे पादप जिनका हम क्या लेंगे? सबसे पहले उनकी जड़ या उसका तना लेंगे, जड़ को लेंगे या फिर उसका क्या करेंगे? तने को लेंगे। देखिए कर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पादप की जड़ या तना, उस जड़ या तने को छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर लेते हैं? उनको काट लेते हैं। छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। जड़ को या तने को किसमें काट लिया जाता है? छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। और छोटे टुकड़ों में जब काट लिया जाता है तो काटने के पश्चात उन्हें मृदा में क्या कर दिया जाता है? उन छोटे छोटे टुकड़ों को मृदा में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। जैसे ये आपका गन्ने का पौधा है, ठीक है, ये आपका कौन सा पौधा है? गन्ने का पौधा है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है? एक गन्ने का पादप है, आप देख रहे हो। ठीक है, गन्ने के पादप के अंदर ये जड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? तना होता है। तने पर क्या है? जगह जगह क्या पाई जाती है? गांठे पाई जाती है। तने पर क्या पाई जाती है? गांठे पाई जाती है। देखिए तने पर जो गांठे पाई जाती है उन्हें कहा जाता है पर्वसंधि। क्या बोलते हैं उन्हें? पर्व संधि के नाम से जानते हैं, जिनको बोलते हैं नोड्स। और दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है, ये दो नोड्स हैं, ये नोड्स, ये दूसरा नोड, और दो नोड्स के मध्य जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पर्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो आपने देखा कि इस गन्ने के तने को क्या किया जाता है? ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है।
जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, तो काटने के बाद मृदा में इनको क्या किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। रोपित का मतलब मृदा में बो दिया जाता है। मृदा में बोने के पश्चात इनके जड़ या तना पर उपस्थित अपस्थानिक कणिका, इन जड़ों के ऊपर या इन तनों के ऊपर उपस्थित जो अपस्थानिक कणिकाएं होती हैं, ये अपस्थानिक कणिकाएं क्या होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। और प्रस्फुटित होती है तो उस समय पश्चात यहाँ पे सबसे पहले छोटी छोटी पत्तियां के समान संरचना यहाँ पर क्या है आपको प्रतीत होंगी, दिखाई देंगी। और इस तरीके से क्या है, उस समय पश्चात एक नवोद्भिद पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, यानी कि एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कर्तन कहा जाता है। देखिए ये एक कर्तन मैंने आपको बता दिया, कर्तन की परिभाषा निकल के क्या आई उसके हम बारे में बात करते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि, कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें किसी पादप की जड़ या तना को छोटे टुकड़ों में काटकर मृदा में रोपित करने के पश्चात, इसमें रोपित करने के पश्चात मृदा में रोपित करने के पश्चात, ठीक है, जड़ और तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं कुछ समय पश्चात प्रस्फुटित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं, जिसे कौन सी विधि कहा जाता है, कर्तन की विधि कहा जाता है। आपको हम बता दें कर्तन जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्तंभ कर्तन होता है और दूसरा कौन सा होता है, मूल कर्तन होता है। पहला स्तंभ कर्तन और दूसरा कौन सा होता है, मूल कर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ कर्तन के बारे में कि स्तंभ कर्तन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेम कटिंग के ऊपर हम बात करते हैं। स्तंभ देखिए, स्तंभ कर्तन पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए स्तंभ कर्तन क्या है, स्तंभ कर्तन, स्तंभ का अर्थ होता है तना, ठीक है, किसी भी पादप का जो तना होता है, ठीक है, कोई भी पादप है और उस पादप का क्या होगा, तना होगा, तना बोल दीजिए, या उसका स्तंभीय भाग होगा, और उस स्तंभीय भाग को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अभी हमने जो आपको कर्तन की परिभाषा बताई उसी को हम यहाँ पर क्या है बताने जा रहे हैं कि किसी भी पादप के तने को या स्तंभ वाले भाग को, एक ही बात है, तना बोल दीजिए या स्तंभ बोल दीजिए, तना या स्तंभ वाला जो भाग होगा उसको छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। छोटे टुकड़ों में काटने के पश्चात उन छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, मृदा में रोपित कर दिया जाता है। किसमें रोपित किया जाता है, मृदा में रोपित कर दिया जाता है। रोपित का मतलब हमें मृदा में, मिट्टी में क्या किया जाता है, बो दिया जाता है। मृदा में जब रोपित किया जाता है, ध्यान से सुनना, मृदा में रोपित कर दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उन छोटे टुकड़ों पर, ठीक है, उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, उन छोटे टुकड़ों पर उपस्थित जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, कौन सी कलिका होती है, अपस्थानिक कलिका होती है, किस पर उपस्थित होती है, छोटे टुकड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या हो जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं। जब ये कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं तो कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से स्तंभ कर्तन द्वारा नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है कि एक पौधे का तना लेंगे, ठीक है, तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, काटने के पश्चात उसे मृदा में क्या कर देंगे, बो देंगे, ठीक है, मृदा में बोने के पश्चात उस समय पश्चात उस तने पर जो टुकड़ा था, तने का टुकड़ा, उस तने पर क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे अंकुरित होती है, और अंकुरित होने के पश्चात कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होता है।
जिसे कौन सा कर्तन कहते हैं, उसे स्तंभ कर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे स्तंभ कर्तन कहा जाता है। स्तंभ कर्तन मुख्य रूप से आपको बता दें, गन्ने के पादप में स्तंभ कर्तन पाया जाता है, अंगूर के पादप में स्तंभ कर्तन पाया जाता है, गुलाब के पादप में स्तंभ कर्तन पाया जाता है, बोगनवेलिया के पादप में क्या पाया जाता है, स्तंभ कर्तन पाया जाता है। देखिए कर्तन की जो क्रिया होती है, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विच फैक्टर इफेक्टिंग द यानी कि कटिंग इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को या कायिक जनन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक मैं आपको बता दूं, प्रवर्ध की लंबाई। प्रवर्ध की जो लंबाई होती है वो कायिक जनन को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रवर्ध कितना बड़ा है, प्रवर्ध का मैंने आपको सुबह आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि प्रवर्ध जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि कायिक जनन के उपयोग में लिए जाने वाला जो अंग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। या हमने बताया कि पादप का वह भाग या वह अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेता है वो प्रवर्ध कहता है। यानी कि जड़ से यदि नए पौधे का निर्माण हो तो वो क्या कराएगा, प्रवर्ध। जो जड़ आपने दी है, तने का जो टुकड़ा लिया है उस नए टुकड़े से नए पादप का निर्माण हो तो वो क्या कराएगा, आपका प्रवर्ध कराएगा। पत्तियां आपको हमने बताई कि ब्रायोफिल्लम की पत्तियों से अपस्थानी कलिकाएं टूट करके गिर जाती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो वो भी क्या कराएगा, एक प्रकार का प्रवर्ध। तो ये प्रवर्ध की लंबाई पर कायिक प्रवर्धन क्या करता है, निर्भर करता है। कौन सा, खास तौर से कर्तन। कर्तन जो होता है वो प्रवर्ध की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरी बात है मात्र पादप की आयु, कि जो पादप आप ले रहे हैं, जिस पादप का आप भाग ले रहे हैं उनका जड़ या तना वाला भाग ले रहे हैं कायिक जनन के लिए या प्रवर्धक के रूप में जिस पादप को आप ले रहे हैं उसकी आयु क्या है। इसलिए मात्र पादप की जो आयु होती है वो कायिक जनन को क्या करती है, प्रभावित करती है। पहला मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ प्रोपेग्यूल नंबर वन, दूसरा मैंने आपको बताया एज ऑफ मदर प्लांट, मात्र पादप की आयु पर निर्भर करता है। और तीसरा बात है कि कर्तन की क्रिया करने के पश्चात हमें उसका रोपण कब करना है, उसका ठीक वातावरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए रोपाई का वातावरण, ठीक है, या रोपण का जो वातावरण है उस पर कायिक जनन क्या करता है, निर्भर करता है। अधिकांशतः जो बागवानी का कार्य किया जाता है या फिर आपको पौधशालाएं नर्सरियों में जो कार्य किया जाता है उसमें ज्यादातर वर्षा ऋतु के अंदर रोपण का कार्य किया जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु जो होती है वो रोपण के लिए एक उपयुक्त क्या होता है, ऋतु होती है, उपयुक्त समय होता है। उसी समय के अंदर कुछ पादपों के क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। इसलिए कायिक जनन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः तीन कारक कौन कौन से हुए, पहला कारक हो गया प्रवर्ध की लंबाई, नंबर दो मात्र पादप की आयु, नंबर तीन यानी कि रोपण का वातावरण। रोपण का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट ऑफ ग्राफ्टिंग। ये थ्री मेन फैक्टर्स हैं जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए स्तंभ कर्तन के बाद हम बात करते हैं मूल कर्तन के बारे में, कि मूल कर्तन क्या है, रूट कटिंग क्या है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको स्तंभ कर्तन के बारे में बात की है उसी तरीके से हम मूल कर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस मूल कर्तन की विधि में भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक पादप लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या है, स्तंभ कर्तन में क्या लिया था कि पादप का तना लिया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी पादप की जड़ को लेते हैं, मूल को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, मूल को, यानी कि जड़ को लिया जाता है, और उस मूल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट दिया जाता है।
छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के पश्चात उस मूल को मृदा में कैसे रोपित की जाते हैं, बिल्कुल ऊर्ध स्थिति में। ऊर्ध का मतलब बिल्कुल सीधी, इस तरीके से, ये ऊर्ध स्थिति है। ऊर्ध स्थिति के अंदर उनको क्या किया जाता है, उस मूल के टुकड़े को, उस जड़ के टुकड़े को मृदा में क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, मृदा में रोपित कर दिया जाता है। और मृदा में जब रोपित कर दिया जाता है तो इसके पश्चात उस मूल का जो टुकड़ा होता है उस पर अपस्थानी कलिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अपस्थानी कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो अपस्थानी कलिकाएं क्या हो जाती है, प्रस्फुटित होती है। यानी कि खास तौर से मैं आपको बता दूं, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग पर ही अपस्थानी कलिकाएं या तो उपस्थित होती है या निर्मित होती है। और वो अपस्थानी कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, यानी कि अंकुरित होती हैं, और अंकुरण के बाद एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, आपका मूल कर्तन कहलाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम दाब लगाने के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, दाब लगाना क्या है। ठीक है, दाब लगाने की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, उन पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।